पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो सकते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में अब खलबली मच गई है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि वो किसी भी सार्वजनिक पद के लिए योग्य नहीं है। उन्होंने इमरान खान को कड़ी चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पाकिस्तान में मची खलबली के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि जब मैं तुर्की समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा हूं और इमरान देश के खिलाफ खुली धमकियां दे रही हैं, इमरान सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य हैं, ये साबित करने के लिए इमरान का ये बयान काफी है। उन्होंने इमरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी राजनीति करो, लेकिन हद पार करने और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में बात करने का दुस्साहन करना ठीक नहीं है। दरअसल इमरान खान ने बुधवार रात को एक निजी समाचार चैनल बोल न्यूज पर एक इंटरव्यू दिया, जहां पीटीआई प्रमुख ने सरकार से सही फैसला लेने की गुजारिश की और कहा कि अगर पाकिस्तान को अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को खोना पड़ा तो वो तीन टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। क्रिकेटर से नेता बने इमरान ने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीतिक स्थिति देश के लिए एक समस्या है। इमरान ने कहा कि यदि सरकार सही निर्णय नहीं लेती है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो और सेना नष्ट हो जाएगी। यदि देश दिवालिया हो गया तो क्या होगा? पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कौन सी संस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होगी? और साथ ही कहा कि वो सेना है जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। सेना के खत्म होते ही देश परमाणु निशस्त्रीकरण की ओर जाएगा। देश खत्म होने जा रहा है और ऐसे में सरकार को सही निर्णय लेने की जरूरत है। इमरान के इस बयान का उल्लेख करते हुए शहबाज ने कहा कि पीटीआई प्रमुख एक साजिश में शामिल है। हालांकि पाकिस्तान में इस बयान को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।